आईपीएल 2021 का सेकेंड फेज अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आईपीएल के सेकेंड फेज में कई सारे स्टार प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ऐसे में इन सभी प्लेयर के रिप्लेसमेंट के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कौन से तारीख को कितने बजे से कौन से टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कौन से तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आईपीएल के सेकेंड फेज से 10 काफी बड़े प्लेयर ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें से कई सारे प्लेयर चोटिल भी है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है पिन एलन का, उसके बाद स्कॉट कुगलेगिन, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, एडम जाम्पा, पैट कमिंस और केन रिचर्डसन आईपीएल के सेकेंड फेज में नहीं खेलेंगे। तो ये 10 बड़े प्लेयर आईपीएल के सेकेंड फेज से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि इन सभी प्लेयर के रिप्लेसमेंट के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कंडक्ट किया जाएगा और सभी टीमों को बताया है कि 20 अगस्त तक सभी टीमों को अपने अपने रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस करनी पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के डेट के बारे में बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली 18 या फिर 19 अगस्त को ये ड्राफ्ट कंडक्ट किया जाएगा और यहाँ पर सभी टीमें क्लियर कर देगी कि उनके स्क्वाड से जो प्लेयर बाहर हुए हैं उनके स्थान पर कौन कौन से नए प्लेयर को इंक्लूड किया गया है। और अगर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कंडक्ट होता है तो इसे स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांस ये है कि सभी टीमें नॉर्मली ही सभी प्लेयर का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देगी। तो आपके अकॉर्डिंग आईपीएल के सेकेंड फेज में आपकी फेवरेट टीम को रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन से नए प्लेयर को इंक्लूड करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 20 अगस्त तक आईपीएल की सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड के बाहर होने वाले प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर होगा आरसीबी और आरआर की टीम की तरफ पर, क्योंकि आरसीबी के फिन एलन, स्कॉट कुगलेगिन और केन रिचर्डसन आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। वहीं राजस्थान के बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे। तो ये दोनों टीमें रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में अपने स्क्वाड में नए नए प्लेयर्स को इंक्लूड करेगी। तो यही था रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।